नमस्कार साथियों, मैं दलित से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2G 3G 5G जो भी सर्विसेज है हमारे पास, लोग कहते हैं कि इससे कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि सच्ची में कोरोना फैल रहा है 5G को लेकर या नहीं फैल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से विद प्रूफ दिखाऊंगा क्या सच्ची फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है 5G को लेके, या फिर अंधाधुंध पता नहीं अजीब अजीब सी कहानी बना के बता रहे हैं कि बर्ड्स मर रहा है, ये मर रहा है, वो सारी बातें एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठी है। बस आप वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, एकदम ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूं क्या ये सच है। तो यस, ये गलत है। यस मैंने क्यों बोला, ये मीडिया जो हमारे इंडिया की मीडिया है, ये इन्होंने ही मतलब इसको सच बनाया, लेकिन ये झूठ है। आज मैं आपको एकदम बेस से जड़ से समझाऊंगा कि कहां से ये कहानी शुरू हुई, फंडा जो है कहां से शुरू हुआ, क्या इसकी सच्चाई है। मतलब एक पॉइंट के, एक बिंदु को लेके, एक क्वेश्चन मार्क को लेके इतना बड़ा बवाल अभी तक फैला है। और जानते हो, आप लोगों को एक बात पता है, जैसे कि हम कुछ सोच लेते हैं, किसी ने हमें कह दिया नहीं भाई सच्ची कोरोना ना 5G को लेके बढ़ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ जाती है, नहीं भाई 5G कोरोना को लेके ही चल रहा है। लेकिन सच बात तो यह है कि 5G, देखो जो नेटवर्क टेलीकॉम सर्विस होती है, इन्होंने बताया कि जो UNO है हमारा, आप उसके ऑफिशियली फिर से ट्वीट करके बताया ये बात कि जो हमारा जो टेलीकॉम सर्विस होता है, ये जो हमारे टावर होते हैं, इस पे वायरस का लेप नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे मुद्दे पे लेके चलता हूँ। दुनिया भर की क्या क्या बातें चल रही है, भारत सरकार क्या कह रही है और WHO क्या कहता है और दूसरी कंट्री के लोग क्या कहते हैं, हर एक बात बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग और लॉजिक लगा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं, हम इस न्यूज को लेके आए हैं जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये है PNB फैक्ट चेक के ट्वीट चलाया जाता है इसे कि 5G की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे मान लें कि सच्ची कोरोना इससे नहीं फैल रहा है। देखिए क्या होता है, देखो एक थ्योरी होती है किसी भी बात को लेके, अगर हम उसे समझा नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे कोई भी मनगढ़ंत कहानी लगा देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, जिन चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको कुछ भी बना देते हैं हम। जैसे सुभाष चंद्र बोस का देहांत कैसे हुआ, इसे कुछ नहीं पता, इसके पीछे मनगढ़ंत कहानी है, थ्योरी है, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, लेकिन सच्ची कुछ नहीं पता कि हुआ क्या होगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, इसका भी कुछ नहीं पता है कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, बस मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, इतनी अफवाह मतलब प्रसारित की जा रही है कि लोगों को अपने वश में कर लिया जा रहा है एक तरह से, तो लोग ये सोच रहे हैं कि इतने आसानी से नहीं फैल सकता और जो घर के अंदर रहता है उन्हें कोरोना कैसे हो सकता है, और जो कहीं जाता नहीं है उसे कैसे हो जाएगा, जो पूरे दिन घर में ही रहता है उसे कैसे हो जाएगा। और इसमें जो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात सेट होती है वो होती है फेक न्यूज, ऐसी मिथ्या धारणा जो मन को बहुत सटीक तरीके से पकड़ लेती है, इसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ठीक है, इसके तहत आपको जो बता रहा हूं मैं, जो भी चीजें हैं ये रिसर्च करके ही बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। तो आपके सामने जो मैं आप काम करने जा रहा हूं वो प्रक्रिया बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज फेक है या फिर रियल है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मैं कुछ सबूत दिखाता हूं। गाइस आप ये देख सकते हैं, वर्ष 2018 की बात है, क्या हुआ था इसमें कि इसमें बताया गया था नीदरलैंड जिसमें यूरोप का एक कंट्री है, 2018 में, ठीक है, 200 से 300 पक्षी मर गए। ठीक है, 300 पक्षी मरने के पीछे नीदरलैंड ने कहा, इसके पीछे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना गाइस, आप ये वाला क्वेश्चन मार्क क्या कह दिया इसने, द 5G टेस्टिंग के कारण ऐसा हुआ, जो 300 बर्ड्स है पक्षियों की मौत हो गई, ऐसा नीदरलैंड के अखबारों ने कहा। इसके पीछे कोई कहानी और आधार नहीं था, ये जो क्वेश्चन मार्क था
देखो, वाइल इज ट्रू दैट लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड डिड द हग देन क्लेम अबाउट द 5G एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लैश, ठीक है, लेकिन इसे 5G एक्सपेरिमेंट की वजह से 300 बर्ड्स मरे, लेकिन इंडिया के मीडिया ने इस न्यूज में लगे इस क्वेश्चन मार्क को नहीं देखा। वो सबसे ज्यादा, देखो कोई भी होता है, चाहे मैं ही हूं या कोई भी है, सबसे ज्यादा व्यू कलेक्ट करने के लिए थंबनेल अट्रैक्टिव बनाता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये इंडिया के मीडिया वालों ने नहीं देखा, भारत के कई समाचार पत्रों ने इसको नहीं देखा और लिख दिया। और लिखा क्या वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है गाइस। अब ये देख सकते हैं आपकी जी न्यूज हिंदी, जो इंडिया का एक अच्छा न्यूज चैनल है, ठीक है, ठीक है गाइस। और 5G की शुरुआत जो है नीदरलैंड में 2018 में ही हो चुका था, ठीक है गाइस। और यहां पे देखो आप, रिसर्च नहीं करा किसी ने इसके ऊपर क्या लिखा, डायरेक्ट यहां पे देखो क्या लिख दिया, आप खुद पढ़ सकते हो। सच साबित हुआ अक्षय कुमार 2.0 का खतरा, जो आप एक, आपको एक बात बता दूं, 2.0 अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, ठीक है, एक फिल्म बनी थी इसके ऊपर कि अक्षय कुमार ने उसमें, ये आपने शायद देखी होगी, 2.0 अक्षय कुमार ने बताया था कि इस कारण से मरती है। गाइस एक तो झूठी कहानी, ठीक है, आप देख सकते हैं नीदरलैंड ने क्या कहा था, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया गाइस, आप भी ध्यान से देखे। लेकिन उसके बाद जो इंडिया की मीडिया ने इसको अपने व्यूज बढ़ाने के लिए थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाया कि डायरेक्ट उन्होंने ये लिख दिया, इसी पे एक तो झूठी न्यूज, ऊपर से अक्षय कुमार ने इसके ऊपर ये वीडियो बना, सॉरी मूवी बना दी पूरी, कि 5G या 3G को लेके, जो भी मतलब उन्होंने, आपने 2.0 देखा होगा मूवी, उसमें ये बताया था कि इससे बर्ड्स या ये जो भी आपने देखी होगी आपको पता होगा ये मर रहे हैं। और देखो इंडिया का न्यूज जो चैनल सबसे जी न्यूज, जिसपे मैं भी सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसने क्या लिखा इस बारे में, सच साबित हुआ अक्षय कुमार का 2.0 का खतरा, नीदरलैंड में 5G से सैकड़ों पक्षियों की गई जान। अब आप खुद सोच सकते हो, ये एक कटिंग आउट है 9:10 PM का 5 दिसंबर 2018 का। और ये जो 2.0 फिल्म की बात है, इसको इंडियन मीडिया ने एकदम सही ले ली और लोगों के मन में ये बात आ गई कि पक्षियों की, इंटरनेट की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है। और इस बीच में कोरोना की अभी तक एंट्री नहीं हुई थी, ये दिसंबर 2018 की बात है, ठीक है, लेकिन पक्षी मरने से लोगों को सेंटिमेंट्स इतने ना प्रभावित नहीं हुए, लोगों ने इस बात को ध्यान से नहीं देखा। लेकिन जब कोरोना की बारी आई, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, तो कोरोना किससे प्रसारित किया, सबसे मेन इंपोर्टेंट बात यही आती है, कोरोना किससे प्रसारित किया, अभी तक ये बात वास्तविकता में पता नहीं चला है कि ये किस तरह से आया, ठीक है, बट इतना पता है मुझे कि बैट से, जो चमगादड़ होते हैं, उससे फैला है। कि लोगों ने कहा उस समय, देखो पक्षियों की बातें हुई थी और उन्हीं पक्षियों ने आगे चल करके इंसान को ले लिया और चमगादड़ का सूप पिया और इंसानों में जो है कोरोना वायरस आ गया। ये पूरी कहानी बनाई गई है एक तरह से सोशल मीडिया पे सिक्वेंस वाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, वो एकदम फर्जी कवर, देखो फर्जी सॉरी न्यूज कहां तक फैलते हुए आ गई और हम इसे सच मन बैठे और पक्षियों की वजह से कोरोना फैल रहा है इंसानों में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ आप खुद देख सकते हो, आपके सामने सबूत है। जो 5G नेटवर्क होता है ना, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इन रेडिएशन पर केवल मॉड्यूलेशन को, जो मॉड्यूलेशन होता है उस पर सूचनाएं लेके जा सकती है सिर्फ, ये वायरस लेप नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ऐसा होता तो हमारे लंग्स को ये प्रभावित कैसे करता, अगर एक बार के लिए मैं ये मान भी लूं कि ये लंग्स को प्रभावित करता है, उस पर वायरस फैलता है, 5G जहां नहीं है वहां भी कोरोना कैसे गया, आप ये बताओ, ठीक है। अगर ठीक है 5G से हुआ, कितने लोगों के पास तो 5G फोन ही नहीं है, तो अगर फोन आता भी है तो हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, फोन आता तो हम उसे सूंघते थोड़ी है, नहीं भाई फोन आया, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये बात बहुत गंदी तरह से घुस गई है कि 5G से ही हुआ है, ठीक है गाइस। अगर ये बात हुआ, अगर हमारे ये सूंघने या देखने से, तो हमारे ट्यूमर्स हो जाना चाहिए था, हमारे बहुत बेकार बेकार प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी। तो सिंपल सी बात यह है
कि ये केवल और केवल फेक न्यूज है और इस फेक न्यूज को आप सिर्फ स्टॉप करो, फैलाओ ना। और गाइस आपको पता है इसको ना WHO खुद इस फेक न्यूज से प्रभावित हो गया। आप WHO यूट्यूब पे सर्च करो WHO और वहां पे जाके उनकी वीडियो देखो, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, और आपको मैं फिर एक बार बता दूं, जो रेडिएशन होती है उनपे ट्रेवल नहीं कर सकता है वायरस। अब गाइस ये बातें आ जाती है हमारे बीच में कि मतलब हवा से ऐसा ही नहीं साथियों, आपका जो ये बता दूं, जो अमेरिका का सेंटर है WHO, इसने साफ साफ लिखा है फैक्ट 5G मोबाइल डू नॉट स्प्रेड COVID-19। पहली बात ये। अब मैं दूसरी आपको दिखा देता हूँ, यूनिसेफ ने भी कुछ कह रखा है। भारत की जो PIB फैक्ट चेक है उसने भी बता रखी है जो 5G की वजह से ये चीज फैल रही है ये पूरी फेक है। ये आप रीजनिंग के माध्यम से ये आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आप केवल इतना कह रहा हूं, अगर कोई कोरोना से बच रहा है तो वो मास्क लगा के बच रहा है, घर में बैठ के बच रहा है। आप कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, अब आंख से देखते हैं, आंख और कान को ढक के क्यों नहीं घूम रहा है? वो सिर्फ मुंह को ढक के क्यों और नाक को ढक के क्यों घूम रहा है? क्योंकि रेडिएशन तो स्किन के थ्रू भी घुस जाती है ना। लेकिन ये सब फेक न्यूज है। इन सबको तर्कों के आधार पर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर आप किसी दूसरे को ये बात बताते भी है तो आप पूरे सच्चाई से बताएं तो उसको ये भी लगेगा, नहीं भाई ये सही बात बोल रहा है।